वट एवर ईमेल आईडी है, कोई भी ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पर डाल दो और एक अकाउंट का नाम डाल दो। अब जैसे आकाश है, राशिक है, या फिर फरहान है, कोई भी नाम डाल दो जो भी अपना अकाउंट बना रहा है। जैसे मैंने डाल दिया माई ए डब्ल्यू एस अकाउंट, ये मैंने डाल दिया नाम, एंड जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई ईमेल। अब जैसे आपने वेरीफाई ईमेल किया, ये वेरिफिकेशन कोड आपकी इस ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा, करेक्ट। अपनी ईमेल आईडी को खोलो, वेरिफिकेशन कोड को वहां से कॉपी करो, वेरिफिकेशन कोड को यहां पर डालो और यहां पर क्लिक करो वेरीफाई। जैसे आप वेरीफाई करोगे, ये इसके बाद ये सेकंड स्क्रीन पे चला जाएगा, फिर ये बोलेगा आपसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को अटैच करने के लिए। अच्छा, डेबिट कार्ड को और क्रेडिट कार्ड को अटैच करने के लिए क्यों बोलेगा? ये आपसे पैसा लेना नहीं चाह रहा है, ये AWS इतना ही चाहता है कि लोग फेक अकाउंट ना बनाए, ठीक है। तो आइडेंटिटी कैसे चेक होगी? सारे अलग अलग कंट्रीज हैं, तो बैंक एक अच्छा इसमें सोर्स मान लिया है कि अगर आपने बाद में पैसे भी, अगर कोई बिल भी पे करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी के बिना आपके अटैच्ड कार्ड से, चाहे वो डेबिट कार्ड है, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड है, आपकी मर्जी के बिना एक भी पैसा डेबिट नहीं होगा। अगर आपका बिल भी आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गलती से पेड सर्विस यूज कर ली और आपका बिल आ जाता है, मान लो $100-$200 भी आ जाता है, बहुत बड़ी रकम है, तो भी वो आपके जो कनेक्टेड कार्ड है उससे पैसा नहीं लेगा। आपको रिमाइंडर आएंगे कि भाई आपका बिल है, आप बिल पे करो, आपका बिल है, बिल पे करो। अगर आप बिल पे नहीं करते हो तो अल्टीमेटली वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा AWS, लेकिन आपके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कोई भी पैसा डेबिट नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक तो डरना नहीं है, कहीं आप सोचोगे मैं सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लगवा रहे हैं, एक साल के लिए आपको AWS फ्री टियर अकाउंट मिलता है। अब जब डेबिट कार्ड डाल दोगे तो डेबिट कार्ड दो तरह के ही डलेंगे, इसके ऊपर तीन तरह के डेबिट कार्ड डलेंगे, एक तो वीजा कार्ड होता है, एक होता है मास्टर कार्ड और एक होता है अमेरिकन एक्सप्रेस। वो मुझे अभी तक जो मालूम था वो उसमें रुपया कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये रुपया कार्ड लेता नहीं है, जो इंडियन रुपया कार्ड नहीं होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ये। तो आप अकाउंट खोलेंगे और जब आगे जाएंगे तो उसमें बेसिक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। कौन सा अकाउंट? दो तरह के अकाउंट होंगे, एक होगा बेसिक, एक होगा एंटरप्राइज अकाउंट। जो एंटरप्राइज अकाउंट होता है वो कंपनीज के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप इस प्लेटफॉर्म को सीख रहे हो, फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू ओपन दिस अकाउंट, राइट? सो यू विल सेलेक्ट बेसिक अकाउंट। बेसिक अकाउंट के नीचे लिखा होगा $0। आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप क्लिक करोगे अकाउंट बन जाएगा। जो आपका ईमेल आईडी है वो रूट, ये आपका यूजर नेम हो गया, और पासवर्ड जो दोगे वो पासवर्ड रहेगा, वो पासवर्ड ही पूछेगा आपका। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, मैं अकाउंट बना रहा था अभी, आपको फॉलो करते करते। हाँ बताइए। इसमें पर्सनल और बिजनेस के लिए बोल रहा था, पर्सनल फॉर योर ऑन प्रोजेक्ट। पर्सनल 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 आप बिजनेस कर रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं कर रहे ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो देखो, बेसिक प्लान में बेसिक और टाइप में पर्सनल लेना है, बिजनेस के बिजनेस नहीं करना, बिजनेस अकाउंट नहीं खोल रहे हो आप, तो बस इतना करोगे आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, जब AWS फ्री टियर अकाउंट खुल जाता है तो AWS फ्री टियर अकाउंट एक साल के लिए वैलिड रहता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस हैं कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ AWS फ्री टियर अकाउंट, ओके, तो आप अगर इसको खोलोगे इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अब जैसे जैसे सर्विसेज मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि 200 से ऊपर सर्विस है और अभी आप सर्विसेज के बारे में जानते भी नहीं हो, तो अगर मैं अभी से बोलने लग जाऊंगा सर्विसेज के बारे में तो वो मतलब यूजफुल नहीं है। अब जैसे एक EC2 सर्विस है, EC2 सर्विस है जिसमें हम सर्वर बनाते हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि EC2 सर्विस में आपको 750 आवर्स पर मंथ मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे 750 आवर्स
एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर गेटिंग, 750 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और उसमें कुछ मशीन्स होंगी लाइक T2.micro, T3.micro सर्वर जो है वो आप बना सकते हो. सारे सर्वर नहीं, हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर नहीं, लो कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बना सकते हो. और ये मेरी ट्रेनिंग के लिए काफी है, ये हमारे लर्निंग पर्पस के लिए, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी है. ठीक है, क्योंकि अगर हम वेब सर्वर बना के देखते हैं तो हमने कोई इससे बिजनेस थोड़ी ना करना है. हमारा वेब सर्वर चलना चाहिए, उस पर सारी टेस्टिंग होनी चाहिए, ऑटो स्केलिंग होना चाहिए, लोड बैलेंसिंग होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चेंज करना हो, चेंज करना चाहूँ तो होना चाहिए. तो जो भी मैं करना चाहता हूँ वो इन सारे के सारे इंस्टेंस टाइप में यानी कॉन्फ़िगरेशन पूरा होगा. तो जो ये लिमिटेशन बता रहा है वो मैं लिमिटेशन जैसे जैसे मैं सर्विस को पढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि इसकी क्या लिमिटेशन है, इसमें कितना आप स्टोर कर सकते हो, कौन सी मशीन बना सकते हो, कौन सा वॉल्यूम लगा सकते हो, कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, सारी चीजें मैं बताता चला जाऊंगा. कौन सी सर्विस पेड है, कौन सी सर्विस फ्री है, कितना यूज करने पे फ्री है, कितने के बाद ये पेड है, वो सारा मैं बताता चला जाऊंगा. तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप कुछ बोल रहे हैं? नो सर, नो सर, कंटिन्यू. ओके ओके, तो आप एक काम कर सकते हो, आप लोग अगर आप जैसे बोल नहीं रहे हो ना तो अपने आप को म्यूट कर लो, जब आपको बोलना हो तो आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि डिस्टरबेंस ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी. अच्छा, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये याद नहीं करनी है कि क्या फ्री मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ्री टियर वो में कुछ चीजें चेंज भी होती रहती है. अच्छा, कुछ चीजें, कुछ सर्विसेज हैं जो आपको ट्रायल बेसिस पे मिल रही है, मतलब वो फ्री नहीं है लेकिन जैसे एक महीने के लिए, दो महीने के लिए आपको ट्रायल पे मिल रही है. जैसे एक बहुत बड़ी सर्विस है रेड शिफ्ट, इसमें हम लोग डाटा वेयर हाउस बनाते हैं. डाटा वेयर हाउस आपने सुना होगा, डाटा वेयर हाउस का मतलब है जहां पर बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, अलग अलग डायरेक्शन से हम डाटा स्टोर कर रहे थे. तो काफी एक्सपेंसिव सर्विस है लेकिन इसका एक टू मंथ का ट्रायल फ्री है. कितने मंथ का ट्रायल फ्री है? देखो, टू मंथ ट्रायल फ्री. अदरवाइज जैसे ही अगर आप प्रोडक्शन में जाओगे तो जैसे ही सर्विस को हाथ लगाते हो $100-200 का बिल आ जाता है. तो वो $100-200 का बिल आपको नहीं देना है, दो महीने के लिए फ्री है. बाद में इसको यूज मत करना. जब आप सीख लेते हो तो सीखने के लिए दो महीने बहुत होते हैं, ठीक है ना, एक सर्विस पर. सिमिलरली बहुत सारी चीजें हैं, इवन जैसे इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर, एक सिक्योरिटी सर्विस है, ये ट्रायल पर है. मैसी है, ये भी एक सिक्योरिटी सर्विस है, ये भी ट्रायल पर है, प्री ट्रायल पर. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं इसके अंदर, तो वो हम धीरे धीरे सीख भी रहेंगे और आगे चलते रहेंगे. चलिए, तो पहले तो आप अपना एक अकाउंट बना लो, जरूरी नहीं है कि अभी बनाओ, आप इस क्लास के बाद बना सकते हो, कल बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरे साथ बैठोगे तो आपके पास क्लास वो AWS फ्री टियर अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो लैब्स मैं कराऊंगा वो लैब्स आपको भी करके देखनी है, और उसमें अगर कोई चैलेंजेस आ रहा है, अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है, उसके अंदर कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो प्लीज मुझसे डिस्कस करोगे आप. मैं आपकी स्क्रीन का रिमोट भी ले सकता हूँ कि भाई अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कहीं पर आप फंस रहे हो या फिर कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं आपको उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है. लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए. हाँ फरहान बोलो. सर मेरा अकाउंट बन गया है, तो इसमें सर मतलब इंटरेस्टेड ये पूछ रहा है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, स्टोरेज या मोबाइल एप्लीकेशन, डे ऑप्स, एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस, बिग डाटा, एआई, मशीन लर्निंग, क्या डालना है? आर्किटेक्चर भी होगा उसके अंदर आर्किटेक्चर भी होगा. आर्किटेक्चर तो नहीं आ रहा सर, अदर आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा. नहीं आ रहा सर. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है? सिस्टम्स आ रहा है? नहीं सर. क्या क्या आ रहा है सर? इसमें माय रोल इज स्टूडेंट, मैंने ये कर दिया है. स्टूडेंट डाल दिया. I am interested in AI and machine learning, big data, content delivery, enterprise application, DevOps, gaming. नहीं नहीं, enterprise application डाल. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ₹2 का चार्ज कटा है सर.
अरे 2 रुपए ये आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे ये तो 2 रुपए। नहीं, सही है सही है, ये दो हाँ, रुपए दो या रुपये कटने से करेक्ट, सही है। हाँ 2 रुपए, 2 रुपए कटते हैं, ये जो 2 रुपए डेबिट होंगे ये 48 घंटे के बाद या 72 आवर्स के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। आ इससे ये जाते चेक हो गया कि डिपॉजिट आप, हाँ ये चेक हो गया कि आपका अकाउंट लाइव है, तो बना सकते हो आप। कुछ कंट्रीज है जहां पर ये फैसिलिटी नहीं है कि वो लोग इस तरह से पैसा ट्रांसफर कर पाए, तो उनके अकाउंट नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपका अकाउंट बन गया। ठीक है, ओके चलो। करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई है, अब थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर लेते हैं। ये तो आपका AWS अकाउंट हो गया। सबसे पहले व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी सी थ्योरी है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। आज का सेशन मैं इंट्रोडक्शन सेशन लेके चल रहा हूँ। तो पहली बात तो है कि AWS अकाउंट सबके पास होना चाहिए, और ये भी मैंने जाना कि भाई किस किस पार्टिसिपेंट्स का क्या क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जस्ट रेज योर हैंड, और जो भी आता है ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि गलत हो जाएगा, किसी को भी बताए जस्ट रेज योर हैंड और मुझे बताए। सर हाँ जी बताइए। सर क्लाउड एक सारा कुछ, जैसे हम जो भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो सारा कुछ क्लाउड पे रहता है हमारा। क्लाउड जैसे है हम, क्या? हाँ, क्लाउड एक सर स्टोरेज वो है, वर्चुअल ही है सारा कुछ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वर्चुअल ही वर्चुअल है। है। हाँ, हाँ हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल वर्चुअल है। फिजिकली नहीं है तो वे वर्चुअल ही है। राइट वर्चुअली हम मशीन्स हैं, वीएम जो भी वर्चुअल मशीन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी प्रमाइसिस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही जैसे कि बात है। सर कोई हमें विंडोज सर्वर चाहिए इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो विंडोज सर्वर क्रिएट कर सकते हैं उसमें, बिल्कुल सही है। और विंडो 10 चाहिए या लिनक्स चाहिए, उबंटू चाहिए, जो भी चाहिए वो हम अपनी जरूरत के अनुसार उसमें बना सकते हैं। सर्विसेज ले सकते हैं उसमें, कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, और मशीन का क्लाउड के लिए कॉन्फ़िगरेशन सारे, ले सकते हो। और सारी सबसे बढ़िया चीज सर ये है कि सिक्योरिटी, और ये सिक्योर है बहुत, और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, क्लाउड को। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक तो ये इंटरनेट पर और सिक्योर ज्यादा हाँ, सिक्योर है सर, सबसे है बड़ा बेनिफिट तो मतलब यही है। एक तो ये अच्छा, बिना इंटरनेट के क्लाउड हो नहीं सकता है। हाँ, जहां नहीं जैसे है हम क्लाउड की बात करेंगे, तो अगर मैं कहता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका मतलब है कि इंटरनेट का होना कंपलसरी है। कंपलसरी सर, अगर बिल्कुल। इंटरनेट नहीं है तो आप पब्लिक क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते। AWS क्या है? AWS इज अ पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो कुछ सीधी सी बात है, AWS इज अ पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? डिलीवरी ऑफ होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। क्या बोल रहा है? डिलीवरी ऑफ होस्टेड सर्विस। अब होस्टेड सर्विसेज क्या होती है? मान लीजिए आपने एक वेब एप्लीकेशन सर्वर बना लिया है, और आप चाहते हो कि सारी दुनिया उसको, या आपका जो क्लाइंट है वो उसको एक्सेस करे इंटरनेट। तो जब आपने पब्लिश कर दिया है सर्वर, एप्लीकेशन पब्लिश कर दिया, तो वो एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। स्टोरेज को आप एक्सेस कर बिल्कुल। सकते हो थ्रू द इंटरनेट, आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट, आप डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, और इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज है। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, भाई एप्लीकेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, बहुत बिल्कुल सिंपल सर, भी हो सकती है, बहुत सिंपल भी हो सकती है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो हर तरह की एप्लीकेशन आप उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो। लैंग्वेज का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो वर्चुअल जो मशीन बनाओगे वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल मशीन। बिल्कुल अब आपको पता होगा एक होती है फिजिकल मशीन और एक होती है वर्चुअल मशीन। मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल मशीन एंड वर्चुअल मशीन। फिजिकल मशीन तो आपने देखा होगा आपके घर में, जैसे लैपटॉप है वो हाँ फिजिकल हाँ वही मशीन सर, फिजिकल हो गई सर। है ना। हाँ अब आप उसको टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। हाँ फिजिकल अब आपके कंपनी के अंदर कोई सर्वर लगा है तो वो फिजिकल हो गया, ठीक ही है। हुआ लेकिन सर, सॉरी। यहां पर इंटरनेट के थ्रू AWS में जाकर आप किसी सर्विस को यूज करोगे, जैसे EC2 को सर्विस को यूज करोगे, और उस सर्विस की हेल्प से आप AWS के ऊपर एक वर्चुअल सर्वर बनाओगे, ठीक है। तो वो जो वर्चुअल सर्वर बनाया है उसको आप टच नहीं कर सकते, उसके ऊपर IP एड्रेस होगा, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके अंदर डाटा होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ एज इट इज होगा जैसे फिजिकल मशीन होती है। बस इतना ही है कि आप फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते, फिजिकली उसको देख नहीं बिल्कुल सकते, क्योंकि वो जो वर्चुअल मशीन बनी है वो AWS डाटा सेंटर के अंदर बनी है।
वो डाटा सेंटर कहाँ है? अब डाटा सेंटर तो यहाँ पर एक नहीं है, AWS के अंदर जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर तो बहुत सारे डाटा सेंटर है, इंडिया में भी है, मिडल ईस्ट में भी होंगे, यूरोप में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, जापान में भी होंगे, वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने डाटा सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपस में सबको कनेक्ट कर दिया। तो जहां पर आपको बनाना है वहां का रीजन आप चूज करोगे और वहां पर अपना सर्वर बना दोगे। तो अल्टीमेटली अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है उसको, ये बोलना है डिलीवरी ऑफ होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है? Sure. दूसरी बात, AWS की क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। AWS क्या कहता है? AWS says that कि we are providing access of AWS and you can use resources pay as you go pricing model. इसका मतलब क्या हुआ? अब वो कहता है कि भाई जितना रिसोर्स आप यूज करोगे उतने ही पैसे हम आपसे लेंगे। अब मान लीजिए एक मशीन है, अगर एक मशीन को एक घंटे के लिए चलाते हो तो हम एक घंटे का पैसा लेंगे, एक दिन चलाते हो तो हम एक दिन का पैसा लेंगे, एक साल के लिए लगातार चलाते हो तो हम एक साल का पैसा लेंगे। जितना आप चलाते हो उतना हम पैसा लेंगे, जितना स्टोरेज आप यूज करते हो हम स्टोरेज के हिसाब से पैसे लेंगे, तो जितना रिसोर्स आप यूज करते हो हम उसके पैसे लेंगे, कोई फिक्स चार्जेस नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई छोटी कंपनी है तो वो कम रिसोर्स पे काम करेगी, कोई बड़ी कंपनी है तो वो ज्यादा रिसोर्स पे काम करेगी। अब मान लीजिए आप में से ही कोई एक के पास कोई एक बहुत बढ़िया आइडिया है, आपने कहा कि सर मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे डाटा सेंटर चाहिए, तो डाटा सेंटर अगर फिजिकली बनाने बैठ जाओ तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। पहले तो आपको स्पेस चाहिए, फिर आप रैक्स खरीदोगे, फिर आप राउटर्स खरीदोगे, स्विचेस खरीदोगे, सर्वर्स खरीदोगे, फिर उनको कनेक्ट करोगे, फिर बहुत सारे लोग चाहिए जो उनको कॉन्फ़िगर करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, है ना? माय गॉड, मतलब इतने में तो पता लगेगा करोड़ों रुपए लग गए, और उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, पता नहीं वो चलेगा या नहीं चलेगा, अच्छा चलेगा, स्लो चलेगा, कैसा चलेगा पता नहीं, गॉड नोस। तो आपने कहा कि AWS क्लाउड कंप्यूटिंग इज ओके, अगर मैं एक सर्वर से काम करता हूं तो मुझे $100 देने पड़ते हैं या $50 देने पड़ते हैं, इतना मैं मैनेज कर लूंगा, करोड़ों रुपए तो नहीं देने पड़ेंगे, कम से कम 5,000 में काम हो जाएगा। तो अगर बिजनेस चल जाता है तो ज्यादा सर्वर बना लूंगा, अगर बिजनेस में थोड़ा ऊंचा नीचा होता है तो उसके अकॉर्डिंग में मैनेज कर, तो दिस इज अ गुड थिंग। ये पहले अवेलेबल नहीं था, इसीलिए फिजिकल डाटा सेंटर्स के नंबर्स में कमी आ रही है, लोग फिजिकल डाटा सेंटर से अब क्लाउड कंप्यूटिंग पे जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? कि कॉस्ट सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और है, अब आपको पता होगा कि आज की डेट में अगर कंपनी कोई सर्वर खरीदती है, मान लीजिए कंपनी ने सर्वर खरीद लिया, 10 लाख रुपए का एक सर्वर खरीद लिया, अब ये बताओ कि वो 10 लाख रुपए का सर्वर कितने दिन चलेगा? साल दो साल बाद उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, नया माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में आ जाएगा, नई जनरेशन की रैम आ जाएगी, नई जनरेशन की हार्ड डिस्क आ जाएगी, मतलब थोड़े दिनों के बाद वो सर्वर ठीक होते हुए भी स्लो परफॉर्म करेगा, सही है कि नहीं? इसका मतलब आपको फिर वो सर्वर चेंज करना पड़ेगा अगेन, तो इसीलिए लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पे जा रहे हैं। अच्छा दूसरा जो होस्टेड सर्विसेज होती हैं वो क्या होता है? अगर आपका अपना कोई डाटा सेंटर है, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, अगर आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी पूछिए आकाश सर। AWS की पॉपुलैरिटी सर अदर क्लाउड से सर ज्यादा क्यों है, लाइक एज्योर एंड गूगल क्लाउड? अच्छा एक बात, आकाश कल तुम सेशन में थे जो 9 बजे हुआ था? यस कल उसमें मैंने बताया था ना, AWS का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि उसकी जो प्रेजेंस है, उसका जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आपको पता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसकी प्रेजेंस ज्यादा होगी, और इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज जो है वो 1,500 से ऊपर है, वो भी ज्यादा है, हर यूज के लिए सर्विस है। कॉस्ट का भी तो फर्क है सर, चार्जिंग का तो चार्जिंग का मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि चार्जिंग को आप ये नहीं कह सकते कि Azure महंगा है या AWS सस्ता है, वो कि आप क्या बना रहे हो वो डिपेंड करता है।
आप तो क्या करना चाह रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ चीजें हो सकता है कि AWS में महंगी हो, कुछ चीजें हो सकता है कि गूगल में सस्ती हो, कुछ चीजें गूगल में महंगी हो सकता है AWS में सस्ती हो, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? नहीं तो एक तो करेक्ट प्लेटफॉर्म ही फेल हो जाएगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे कि, लेकिन AWS में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सारी यस सर्विस मिलती हैं आपको। ये धीरे धीरे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको समझ में आना शुरू कर जाएगा। लेकिन जो मेन बेनिफिट है AWS का सबसे आगे होना, वो इसलिए है क्योंकि AWS ने ही सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टार्ट किया था, कर पब्लिक क्लाउड दिया कंप्यूटिंग को। तो जो पहले आएगा जाहिर सी बात है उसको बिजनेस भी ज्यादा मिलेगा, उसकी पॉपुलैरिटी भी ज्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से AWS बहुत स्मार्ट निकला, उसने शुरू से ही 1 साल के लिए सबको फ्री टियर अकाउंट दे दिया कि भाई आप आओ और मेरी किसी भी सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करो, राइट। तो उससे क्या हुआ कि जो लोगों ने सीखना शुरू किया, जिस प्लेटफॉर्म को लोग ज्यादा सीखेंगे उसी को तो चलाएंगे, करेक्ट और नॉट? तो जिसको ज्यादा सीखोगे उसी को तो चलाओगे आप, जिसको जिसको सीखोगे नहीं उसको क्या चलाओगे? अब आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश बोलोगे या चाइनीज बोलोगे? इंग्लिश इनकरेक्ट बोलोगे, यस। तो वही बात हो गई कि AWS पहले आया, AWS ने पहले मार्केट फ्री ग्रैब टियर करा अकाउंट, है। फ्री टियर अकाउंट दे दिया, नंबर ऑफ सर्विस इसकी ज्यादा है और इसकी ग्लोबल प्रेजेंस ज्यादा है। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सबसे बड़ा है, ये मेजर रीजंस है। और दूसरा, ये अपने आप को रोक नहीं रहा है, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, हर हर दिन आप हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड होते हुए ही देखेंगे। दुनिया इसके पीछे चल रही है आज की डेट। सर ये लॉन्च तो कब हुआ आप था? ये बहुत पहले का है। अच्छा ये, हाँ ये बहुत पहले का, 2002, 2002 के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन ये यार 2012 के आसपास जो है फिर ये थोड़ा उसमें आ गया, छोटी छोटी सर्विसेज स्टार्ट हुआ था। इवन मैंने जो पहला सर्टिफिकेशन किया था 2016 में किया था, तभी से सर पॉपुलरिटी हुई उसकी ज्यादा। हाँ तभी से पॉपुलरिटी हुई है, तभी से पॉपुलरिटी हुई है। अच्छा, अब होस्टेड सर्विसेज क्या होते हैं पहले सुनिए जरा। मान लीजिए किसी कंपनी के पास अपना डाटा सेंटर है, मैं पब्लिक क्लाउड की बात नहीं कर रहा, मैं AWS की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए कंपनी के पास अपना डाटा सेंटर। अब अपने डाटा सेंटर होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास रैक्स है, सर्वर्स है, राउटर्स है, कनेक्टिविटी है और लीज लाइन आप अपनी, और आप अपने ही सर डाटा सेंटर के अंदर सर्वर एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर रहे हैं और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेट से उसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक तरह का प्राइवेट क्लाउड हो गया, करेक्ट और नॉट? बिल्कुल सर ये प्राइवेट क्लाउड हो गया। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में और पब्लिक क्लाउड में फर्क क्या है? प्राइवेट क्लाउड को मैनेज आपको करना है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमेशा आप रखना है आपको, यानी हाँ सर आपकी कंपनी ही रेस्पॉन्सिबल है कि अगर उसके अंदर कोई खराबी हो जाती है तो ठीक कौन करेगा? आपकी कंपनी करेगी। कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो ठीक कौन करेगा? आप कौन करेगा? आपकी कंपनी करेगी। लेकिन AWS के साथ ऐसा नहीं है। AWS ने क्या कर रखा है? AWS ने कह रखा है कि भाई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी ना वो हम देखेंगे, डाटा सेंटर्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी है, उनका प्रेजेंस है, वो सारा हम देखेंगे, वो लाइव रहेगा। आपको तो इंटरनेट के थ्रू हम AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस दे देंगे, अकाउंट क्रिएट करके दे देंगे, आप उस अकाउंट के थ्रू जाइए और इस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, दैट्स ऑल। और जो बैकएंड में जो जितनी भी चीजें हैं उसको मैनेज कौन कर रहा है? AWS कर रहा है। ये फर्क है होस्टेड सर्विसेज में और क्लाउड कंप्यूटिंग में। अच्छा, अब यहाँ पर मैं छोटा सा प्रैक्टिकल लेना चाहूंगा, अभी वैसे आधा घंटा है अभी, तो अभी मैं ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? और मुझे उम्मीद है आप लोग वो अपना ए वो बना लोगे, AWS अकाउंट, और कुछ होने तो शायद बना भी लिया होगा। ये देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, द फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस टॉपिक आई विल टेक टुमारो, राइट, एंड व्हाई AWS एंड व्हाट इज द AWS मैनेजमेंट कंसोल एंड EC2, हाउ टू लॉन्च एन EC2 इंस्टेंस। मतलब सबसे पहले बता रहा हूं मैं आपको कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर रहा हूं, अभी मैंने EC2 पढ़ाई नहीं है आपको,
मैंने सर्विस भी स्टार्ट नहीं किया है, मैं EC2 नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि AWS के अंदर लॉग इन करने के बाद आप अपनी पहली मशीन कैसे लॉन्च करोगे और उसको एक्सेस कैसे करोगे, बस इतना सा बताऊंगा बस, ठीक है। उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, AWS, why AWS, AWS मैनेजमेंट कंसोल क्या है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, फिर धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे। ये सारे के सारे जितने भी हैं सारे सीक्वेंशियल टॉपिक है। तो टुडे आई एम टेकिंग दिस लॉन्चिंग फर्स्ट EC2 इंस्टेंस, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग अपने अपने AWS अकाउंट बनाएंगे और जो लैब में करा रहा हूं वो लैब वो करेंगे कल, ठीक है। करना क्या है, आप जाओ AWS, सबसे पहले आप लिखोगे AWS.amazon.com, प्रेस एंटर। सो दिस काइंड ऑफ अ स्क्रीन यू विल हैव। तो इसमें राइट हैंड साइड में माय अकाउंट्स आ रहा है और साइन इन टू द कंसोल। सो आप क्या करोगे, साइन इन टू द कंसोल पे क्लिक करोगे। आइए तो लॉग इन ही हो गया, एक मिनट ये ऑलरेडी लॉग इन है। आप क्या करोगे, साइन इन टू द कंसोल। हाँ, जो आपका जो आपने ईमेल आईडी यूज किया है ना अकाउंट बनाने के लिए, वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालोगे और ये रूट अकाउंट में लॉगिन करोगे। देखो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मैं मुझे मालूम है, लेकिन पहली बार जब लॉगिन करोगे तो रूट से ही करोगे। तो जो रूट अकाउंट होता है उस अकाउंट से हम प्रोडक्शन एनवायरमेंट में काम नहीं करते। रूट अकाउंट सिर्फ अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए होता है। तो पहले आप रूट अकाउंट के अंदर जाओगे, अभी हम रूट अकाउंट से ही काम करेंगे, बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर यूजर कैसे बनाने हैं और उनको यूजर्स को परमिशन कैसे देनी है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट और पासवर्ड आप डाल दोगे, जो भी आपने पासवर्ड दिया होगा जब आप AWS अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। नाउ क्लिक ऑन साइन इन। जैसे आप साइन इन करोगे आप आ गए पहले पेज पर। तो ये जो पहला पेज है इसको बोलते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल, इसका नया नाम है कंसोल होम, इसको मैनेजमेंट कंसोल भी बोलते हैं और कंसोल होम भी बोलते हैं। इसमें ये जो सर्विसेज दिखाई दे रही हैं ये तो रिसेंटली सर्विसेज हैं जो मैंने यूज कर रखी हैं। और अगर आपको सर्विस ढूंढनी है तो ये सर्च बॉक्स है। अब जैसे मान लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये मैनेजमेंट कंसोल क्या है, ये कल मैं बताऊंगा कि ये AWS लोगो क्या है, सर्विसेज क्या है, सर्च क्या है, और ये सारी की सारी चीजें मैं कल आपको क्लियर करूंगा। आज मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि मशीन कैसे बनानी है और मशीन डिलीट कैसे करनी है। इतना आप कर लो पहले। आज सर्च पे जाओ, ये सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है जो ब्लैक स्ट्रिप है ना, काली पट्टी है, यहाँ पर लिखो EC2। EC2 कंप्यूट सर्विस है जिसमें हम सर्वर बना सकते हैं या सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं। सर्वर बना सकते हैं यानी विंडोज का सर्वर बना सकते हैं, लिनक्स सर्वर बना सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर बना सकते हैं। विंडो 11 कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, विंडो 11 नहीं, विंडो 10 नहीं, वो सर्वर्स नहीं होते हैं, उसके लिए कोई दूसरी सर्विस है, ठीक है। तो EC2 में जाओ और यहाँ जैसे आपने EC2 लिखा, नीचे सर्विसेज में EC2 आ गया, यहाँ पर EC2 पर क्लिक करो, वेट करो। देखो हम EC2 के अंदर आ गए, राइट। यहाँ पे मेरे दो इंस्टेंसेस चल रही हैं, दो सर्वर पहले से ही चल रहे हैं। चलो अभी मैं इन सर्वर को इग्नोर कर देता हूँ। करना क्या है, राइट हैंड साइड में ये ऑरेंज कलर में लॉन्च इंस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक कर दो। लॉन्च इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब वर्चुअल मशीन। यहाँ पर जब भी मैं इंस्टेंस बोलूंगा इसका मतलब वर्चुअल मशीन। क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, यहाँ पे मशीन का नाम लिख दो, सर्वर का नाम लिख दो, लेट्स से माय डेमो सर्वर। मैंने सर्वर का नाम लिख दिया माय डेमो सर्वर। उसमें उसके बाद अमेजन मशीन इमेज AMI यूज करना है। अच्छा आपको पता है, जब भी आप मशीन मतलब चाहे वो वर्चुअल मशीन हो चाहे वो फिजिकल मशीन हो, जब भी हम मशीन को लॉन्च करते हैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आज तक आप ISO इमेजेस ले रहे थे,
यस सर, डीवीडी में आती है, आईएसओ इमेजेस यूज करते थे और स्टेप बाय स्टेप जाके इंस्टॉल करते थे। तो यार वो तो बहुत ही पुराना मेथड है, और आईएसओ इमेज में कहां है, पेन ड्राइव से भी करते हैं सर अब तो, पेन ड्राइव से भी करते हैं ये। हाँ। मतलब आईएसओ इमेज या तो पेन ड्राइव में होगी या फिर डीवीडी ड्राइव में होगी। अच्छा, दोनों चीज ही फिजिकल है, पेन ड्राइव भी फिजिकल है, फिजिकल है सर, करेक्ट, डीवीडी भी फिजिकल है। तो यहां पर मैं कोई फिजिकल चीज यूज नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर AWS ने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए AMIs प्रोवाइड कर रखी हैं। AMI का फुल फॉर्म होता है अमेज़न मशीन इमेज, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टेम्पलेट है, और हजारों टेम्पलेट है हमारे पास, मैं दिखाऊंगा आपको और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज सिर्फ मैं मशीन बता रहा हूं कि मशीन कैसे बनानी है। तो देखो यहां पर बहुत सारे टेम्पलेट है, उनमें से पांच छह टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है अमेज़न लिनक्स, एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक उबंटू का, विंडोज का है, रेड हैट का है। तो लेट्स से मैंने अमेज़न लिनक्स का ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड जो मोस्ट लेफ्ट है। अभी मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे आओ, ऑटोमेटिकली अमेज़न लिनक्स 2023 AMI has been selected, और ये फ्री टीयर है, फ्री टीयर में आती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप मेरा माउस देख रहे हो, ये फ्री टीयर एलिजिबल है, आपको कोई भी रिसोर्स पेड नहीं लेना है, ठीक है। और कोई चीज समझ में नहीं आती है वो हमसे डिस्कस करना है। नीचे आइए, अब आता है इंस्टेंस टाइप, यानी अब अगर आप मशीन बना रहे हो तो मशीन को कॉन्फ़िगरेशन भी देना है, भाई उसमें सीपीयू कितना होगा, रैम कितनी होगी, तो वो इंस्टेंस टाइप का पार्ट है। इंस्टेंस टाइप का मतलब आप कौन सी मशीन चूज कर रहे हो। तो यहाँ पर T2.micro लेना है टाइप हमेशा। अच्छा, ये जो T2.micro है, इसमें एक वर्चुअल सीपीयू है और 1 GB रैम है। अब आप कहोगे सर ये 1 GB रैम और 1 वर्चुअल सीपीयू, क्योंकि ये तो बहुत कम हो गया, काम करेगा? मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल काम करेगा, और सफिशियंटली काम करेगा ये, क्योंकि ये सारा का सारा जो आर्किटेक्चर है, जितना भी हार्डवेयर है, ये सारा इंटेल ज़ियोन प्रोसेसर पर बना हुआ है, या फिर इसी तरह के, इसी लेवल के प्रोसेसर पर बना हुआ है, सर्वर प्रोसेसर पर बना हुआ है। तो 1 वर्चुअल सीपीयू 1 GB रैम लिनक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ये भी फ्री टियर एलिजिबल पे। अब मैं नीचे जाता हूं, ये नेक्स्ट आ गया की पेयर लॉगिन के लिए। अच्छा, यहां पर ना मशीन में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड नहीं देना है, ठीक है, यूजर तो है, पासवर्ड नहीं देना है, क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो वल्नरेबल होता है। पासवर्ड बहुत ही इजीली कॉपीएबल होता है, भाई किसी को पासवर्ड बता दिया, मान लीजिए आपने अपनी मशीन का पासवर्ड रखा user@123, किसी ने देख लिया या किसी ने सुन लिया, तो वो आईपी एड्रेस से और उस पासवर्ड से आपकी मशीन को खोल लेगा इंटरनेट पर, तो ये तो वल्नरेबिलिटी होगी। इसीलिए सिक्योरिटी को ज्यादा हार्ड करने के लिए, ज्यादा मशीन को सिक्योर करने के लिए, वो की पेयर का यूज कर रहा है। AWS जो है वो की पेयर का यूज कर रहा है। इसको भी मैं डिटेल में लूंगा, क्योंकि की पेयर यहाँ पर हम लोग क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक में असिमेट्रिक की यूज कर रहे हैं, यानी पब्लिक की भी होगी और प्राइवेट की भी होगी। पब्लिक की तो AWS अपने पास रखेगा, और उसका जो उस सेट का जो प्राइवेट की है वो आप डाउनलोड कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास की नहीं है और आप पहली बार मशीन बना रहे हैं, तो आपको की बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्लिक करो क्रिएट न्यू की पेयर, और की का नाम लिख दो, यहाँ पे लिखो माई डेमो सर्वर की, कोई भी नाम लिख दो। और ये ध्यान रखना की पेयर RSA ही रहे। ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ मशीन कैसे लॉन्च करनी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट की जो बना रहे हो उसका जो फॉर्मेट रहेगा ना, वो .pam रहेगा, .ppk नहीं मत लेना, क्योंकि .ppk पट्टी में यूज होता है, हमें यूज करना है SSH के साथ, तो .pam लेना। और क्रिएट की, जैसे आप क्लिक करोगे क्रिएट की पर, इट विल आस्क यू टू डाउनलोड द की, तो डाउनलोड फोल्डर में इस की को डाउनलोड कर लो। तो ये कौन सी की है, ये प्राइवेट की है, तो इसको आप डाउनलोड कर लो। तो ये आपने प्राइवेट की डाउनलोड कर ली अपने कंप्यूटर में, यानी अपने होस्ट कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में आपने डाउनलोड कर ली। अच्छा, नेटवर्किंग में कुछ मत करना, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम डिफॉल्ट नेटवर्क ले रहे हैं। नीचे जाओ, ये फायरवॉल है। फायरवॉल का मतलब है कि इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल आपने ओपन करना है। तो लिनक्स की मशीन बना रहे हो, लिनक्स की मशीन का अगर रिमोट लेना है, तो इंटरनेट पर
SSH प्रोटोकॉल ओपन होना चाहिए, तभी आप इसका रिमोट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते इसका। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस है ये इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं है तो एडिट करके इनेबल कर देना, वैसे ये बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होता है। इनेबल का मतलब इस मशीन पर पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। अगर इस मशीन पर पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होगा तो हम इसका रिमोट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इंटरनेट से इस मशीन का रिमोट लेना है तो इस मशीन पर पब्लिक आईपी एड्रेस होना बहुत जरूरी है। तो ये जो मशीन बना रहे हो बाय डिफॉल्ट इस पर एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी होगा और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होगा, राइट। अब आप नीचे जाओ, SSH अलाउड है, ठीक है, और इसकी हार्ड डिस्क का साइज क्या है, 8 GB। कितना? 8 GB। ये आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क की तरह नहीं है कि 1 TB होना चाहिए, 2 TB होना चाहिए, नहीं नहीं, सिर्फ 8 GB मोर देन सफिशिएंट है। अगर डाटा है तो डाटा के लिए हम कोई दूसरा स्टोरेज चूज करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 8 GB बहुत है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे भी हल्का होता है, ठीक है। तो और अच्छा, क्योंकि फ्री टियर आप यूज कर रहे हो तो फ्री टियर में अप टू 30 GB, मतलब जो वॉल्यूम का साइज है वो 30 GB तक जा सकता है, 30 GB तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप 10 मशीन बनाते हो तो 10 मशीन में हर एक मशीन के पास अपना अपना EBS वॉल्यूम होगा, यानी हार्ड डिस्क होगी, तो हर हार्ड डिस्क का साइज 30 GB तक जा सकता है, लेकिन 30 GB से ज्यादा मत लेना, 30 GB से ज्यादा वो चार्जेबल हो जाता है। तो 30 GB इज मोर देन सफिशियंट। जब हम विंडोज मशीन जब बनाएंगे तो तब हम 30 GB ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए 8 GB काफी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं 8 GB नहीं लेना, मुझे तो 12 GB लेना है, तो चलो ठीक है 12 GB कर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें वॉल्यूम टाइप कौन कौन से होते हैं, ये जब हम EBS स्टोरेज पढ़ेंगे ना तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम कौन सा स्टोरेज टाइप लेते हैं, इसका क्या पर्पज होता है, इतने सारे क्यों है, ये किस यूज केस के लिए कौन सा टाइप लेना चाहिए, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टोरेज के अंदर। अच्छा, इतना हो गया। कहने का मतलब है अगर ये 8 GB भी होता तो भी काम करता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना, आपने कुछ नहीं किया, SSH भी अलाउड था, सिर्फ आपने की पेयर का नाम लिखा है यहाँ और उसको डाउनलोड कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ राइट हैंड साइड में लॉन्च इंस्टेंस बटन है, बॉटम राइट हैंड साइड में एक लॉन्च इंस्टेंस बटन है, अब आप इसको क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे आपकी मशीन लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखो ये मशीन लॉन्च हो रही है, वो कह रहा है सक्सेसफुली लॉन्च्ड, और ये आपका इंस्टेंस आईडी है, जो मतलब मशीन जो बनी है ये उसका आईडी है। जितने भी मशीन होंगी AWS पर, चाहे वो आपके अकाउंट में हो, चाहे वो मेरे अकाउंट में हो, कहीं पर भी हो, हर इंस्टेंस का इंस्टेंस आईडी यूनिक होगा। अच्छा, स्क्रॉल डाउन एंड व्यू ऑल द इंस्टेंसेस, सबसे नीचे राइट हैंड साइड में एक बटन है, व्यू ऑल द इंस्टेंसेस एंड आई कैन सी। देखो ये मशीन आपने बनाई, मेरे अकाउंट में 3 मशीनें चल रही हैं, राइट, आप देख रहे हो, 2 पहले से चल रही हैं, वो मेरे किसी और काम की वजह से चल रही हैं, तो इसलिए मैं उसको चलता छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब ये जो मशीन बनाई है आपने, ये वाली माई डेमो सर्वर, तो जब आपने इसको सेलेक्ट किया उसकी इंफॉर्मेशन, देखो ये कर्टन दिखाई दे रहा है आपको जो मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ ऐसे, इसमें डिटेल्स में अगर जाओगे तो सबसे पहले तो आपको इंस्टेंस आईडी दिखाई देगा ये, और ये मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस है जिसको आप यूज करोगे रिमोट लेने के लिए, मशीन का रिमोट लेने के लिए, और ये मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब आपको मालूम है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस तो इंटरनेट पे काम नहीं करता, प्राइवेट आईपी एड्रेस विद इन द AWS काम करेगा, जब हमारे पास बहुत सारे सर्वर होंगे और हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तब प्राइवेट आईपी एड्रेस काम करेगा। दूसरा, ये स्टेटस है, रनिंग है, मशीन चल रही है, मशीन इतनी देर में स्टार्ट भी हो गई, ये मशीन का होस्ट नेम है, ये मशीन का प्राइवेट DNS नेम है। अगर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो और भी इंफॉर्मेशन दिखेगी, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मशीन का रिमोट लेता हूँ। जो सबसे इजी तरीका है रिमोट लेने का, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको क्या करना है, कि पहले तो मशीन को सिलेक्ट करना है, और ऊपर यहाँ पर एक कनेक्ट बटन देख रहे हो जो रिफ्रेश और इंस्टेंस स्टेट के बीच में कनेक्ट बटन, इस कनेक्ट बटन को आपने प्रेस करना है। जैसे आप कनेक्ट बटन को प्रेस करोगे तो आप पहुंच गए दूसरी स्क्रीन पर, यहां पर 4 टैब है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहला टैब EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, इस पर क्लिक करना है।
और आप इसी पर हो अभी फिलहाल, ये ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया और ये मशीन का यूजर नेम आ गया, लेकिन यूजर नेम तो मैंने दिया नहीं। क्या आपने जब मशीन बना रहे थे कोई यूजर नेम दिया? No. नहीं, नहीं दिया। तो ये कहां से आ गया? ये यूजर नेम AMI का पार्ट है, यानी हमने एक AMI ली थी उससे मशीन बनाई है। अमेजन मशीन इमेज ली थी हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम का टेम्पलेट लिया था उससे मशीन बनाई है, तो उस टेम्पलेट के अंदर ये यूजर था बाय डिफॉल्ट। ऑटोमेटिक कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो रिमोट लेने के बाद आप दूसरा यूजर भी बना सकते हो, इट इज अप टू यू। नाउ गो टू गो इन साइड द मींस लेट इट बी एज इट इज यूजर नेम, इट्स अ EC2 हाइफन यूजर एंड नाउ नीड टू क्लिक ऑन कनेक्ट बटन। अभी इस कनेक्ट बटन पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही कनेक्ट बटन पे क्लिक करोगे सब कुछ ठीक है, तो आप देखोगे आपने मशीन का रिमोट ले लिया। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स एंड नाउ यू आर इन साइड द मशीन। ये लिनक्स मशीन, ये इजीएस्ट मेथड बताया मैंने रिमोट लेने का, राइट? एक तो ये मेथड हो गया, लिनक्स मशीन है ना। चलो लिनक्स मशीन का दूसरा मेथड मैं बता देता हूं। दूसरा मेथड क्या है कि पहले तो इसको आप कॉपी कर लो, इस आईपी एड्रेस को, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। आप चाहे तो यहां से भी कॉपी कर सकते थे, यहां से भी कॉपी कर सकते थे। और मशीन में आपने कौन सी की यूज की है, जो आपने जो की यूज की है, जो पासवर्ड की जगह पर आप यूज करोगे, वो है माई डेमो सर्वर की। तो आप जाओ अपने विंडोज के CMD पर, विंडोज के CMD पे जाओ। अब ये विंडोज का CMD आ गया, तो मेरी की कहां पर है? मैंने जो की जो डाउनलोड की थी वो डाउनलोड फोल्डर में की थी, और की का नाम क्या था? माई डेमो की, आई थिंक ये था, ये नहीं था, माई सर सर्वर क्या था? माई डेमो सर्वर की, ये ओके, माई डेमो सर्वर की आ गई। तो ये की यहां पर है, इस फोल्डर में मैं आ गया, इस फोल्डर में इसलिए आ गया कि यहीं पर है। तो यहां से मैं AWS मशीन का रिमोट लेना चाहता हूँ, लिनक्स मशीन है ना, तो SSH पे रिमोट लेना है, तो लिखूंगा SSH-i, i का मतलब इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है? की का नाम क्या है? ये केस सेंसिटिव है, तो ये ध्यान रखना कि जो लेटर्स कैपिटल्स में वो लेटर्स कैपिटल्स में लिखेंगे, जो स्मॉल्स में वो स्मॉल्स में लिखेंगे। उसके बाद स्पेस यूजर नेम, यूजर नेम था EC2-user @ एंड पब्लिक आईपी एड्रेस, ये मशीन का आईपी एड्रेस, बस इतना सा कमांड लिखना है आपने। और ये कमांड है ना आपको मिल जाएगा, कहां मिलेगा? आप जब कनेक्ट पे जाएंगे और SSH क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो देखो ये कमांड यहां मिल गया। ये कमांड यहां से भी कॉपी किया जा सकता था, इसमें इसने आईपी एड्रेस की जगह, इसने आईपी एड्रेस की जगह DNS, मशीन का DNS यूज कर रखा, राइट? तो आप इससे भी आप जाके कॉपी कर सकते। पहले तो हम इसे चेक कर लेते हैं आईपी एड्रेस जाएगा नहीं जाएगा, प्रेस एंटर और यहां पे लिखो यस। देखो आप मशीन के अंदर आ गए, यू आर इनसाइड द मशीन, आपने मशीन का रिमोट ले लिया। कहां से? विंडोज से, विंडोज से लिनक्स मशीन का रिमोट ले लिया। एक तरीका तो ये हो गया, एग्जिट कर दो, एग्जिट करो, यहां से बाहर आ गए, राइट? और इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते थे, जो कमांड वहां से मैंने कॉपी किया था, यानी आईपी एड्रेस की बजाय पब्लिक DNS कॉपी कर लिया और एंटर किया। देखो ये भी काम करेगा, कुछ समझ में नहीं आता तो आपने सीधा कॉपी पेस्ट मारा। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो यहां पर गए आप SSH क्लाइंट के ऊपर, आपने इसको कॉपी किया, यहां पर गए, यहां पेस्ट किया, एंटर किया एंड यस प्रेस किया, यू आर इनसाइड द मशीन, एग्जिट कर दो। तो ये दूसरा तरीका हो गया, राइट? इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता रहा हूँ। चलो अब इस मशीन को डिलीट कैसे करना है, वापस आप कैंसिल करो इसको, जैसे कैंसिल करोगे वापस आ गए। अब ये मशीन जो है ना, अगर आपने इसको चलता छोड़ दिया तो आपको टोटल, क्योंकि ये मशीन है
T2.micro. तो T2.micro मशीन के लिए आपको महीने के 750 घंटे मिल रहे हैं. तो 750 घंटे का मतलब है आप एक मशीन 2400 घंटे चला के छोड़ सकते हो, क्योंकि एक महीने में 720 घंटे होते हैं. तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी हम क्यों करें यूज, क्योंकि मैं मेरी तीन मशीनें चल रही. तो अगर आप तीन मशीन चला के छोड़ दोगे तो वही काम दस वही जो कोटा है वो मेरा 10 दिन में खत्म हो जाएगा 30 दिन की बजाय. तो बेटर है कि इस मशीन को मैं बंद कर देता हूँ या डिलीट कर देता, या तो आप स्टॉप कर दीजिए अगर आपने इस मशीन को दोबारा यूज करना है और आप चाहते हो कि चार्जेस ना लगे या आपका कोटा कंज्यूम ना हो. तो इस मशीन को यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, गो टू इंस्टेंस स्टेट एंड स्टॉप द इंस्टेंस. स्टॉप का स्टॉप करने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको दोबारा चला सकते हैं. लेकिन अगर आपने परमानेंटली डिलीट करना है, अब आपको इसकी जरूरत नहीं है इस मशीन की, सो दैट यू कैन टर्मिनेट दिस इंस्टेंस परमानेंटली. तो मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, तो मैंने टर्मिनेट कर दिया. टर्मिनेट करने का मतलब अब ये थोड़ी देर में मशीन गायब हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. अब ये दोबारा से आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते. नंबर वन, चलो एक विंडो मशीन और बना के दिखा देता हूँ. तो ये दो चीजें हो जाएंगी और ये प्रैक्टिस करना आप, और फिर हम कल स्टार्ट करेंगे बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग से. देखो ये जो कोर्स है ना, ये इसमें मैं 80-90% प्रैक्टिकली लेने वाला हूँ. मैं लैब्स लूंगा, असाइनमेंट्स, ट्रबल शूटिंग लूंगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस लूंगा. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल हो और आप लोग उस प्रैक्टिकल को रिपीट करो, क्योंकि थ्योरी अवेलेबल है. कहाँ पर अवेलेबल है मैं बता दूंगा. AWS में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, थ्योरी आपको हर जगह मिल जाएगी. ठीक है, और प्लीज एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये अनशंट YouTube पे वीडियो मत देखना, पुराने वीडियो तो प्लीज बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये सर्विसेज बहुत सारी सर्विसेज चेंज हो गई हैं और ये चेंज भी इसी साल हुई हैं. तो प्लीज कोई भी पुराने वीडियोस मत देखना. समझ में आ रहा है सबको? यस सर. हाँ, क्योंकि कुछ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो भाग के जाते हैं यूट्यूब खोल लेते हैं और गलत सलत सीख लेते हैं, फिर वहां पर जब जाते हैं इंटरव्यूज में तो बहुत दिक्कत होती है. तो प्लीज वो मत करना. और आपको कोई परेशानी होती है कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं बैठा हूँ, ठीक है, और वो मुझसे आप बड़े मतलब इलैबोरेटेड वे में डिस्कशन कर सकते हो कि ये चीज कोई समझ में नहीं आई है या फिर इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल है तो बता दो. ठीक है, ये मशीन टर्मिनेट हो गई. अब चलो एक विंडो मशीन बना के दिखाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. लॉन्च इंस्टेंस किया है इस बार दोबारा से, यहां पे इस बार मैंने लिख दिया विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर 202. अब ये यहां पे दिखाई दे रहा है विंडोज, विंडोज पे क्लिक करो. जैसे आपने विंडोज पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 यानी 2022 सर्वर लॉन्च कर रहे हो. और ये भी फ्री टियर में है. देखो यहाँ पे पैसा नहीं ले रहा, AWS इज नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड इफ यू गो डाउन द सेम इंस्टेंस टाइप यू विल टेक, राइट. अगर आपको लगता है कि 1 virtual CPU 1 GB सफिशियंट नहीं है तो फ्री टियर में एक दो चीजें और भी फ्री होंगी. मैं देख लेता हूँ T3.micro करंट जनरेशन फ्री T3.micro नहीं, ये पेड है, ये पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है. T3.micro ये सब पेड है, सिर्फ T2.micro है ये फ्री है. तो ये मैं ले लेता हूँ T3.micro. और इसमें कितना मिल रहा है, 1 virtual CPU 1 GB RAM. और इस बार विंडोज ऑपरेटिंग, हाँ जी सर, मुझे ये क्वेश्चन ये पूछना है कि इसमें जो हम लोग विंडोज इंस्टांस लॉन्च करेंगे और मतलब हमारा जो सिस्टम विंडोज होता है, इस दोनों में डिफरेंस होता है सर? हेलो, आपने नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका. आपका सिस्टम मतलब जो हमारा विंडोज 10 सिस्टम होता है लैपटॉप वाला, इन दोनों में सर इंस्टांस में और विंडोज वाले में क्या? जो आपका जो लैपटॉप है वो क्लाइंट मशीन है,
और जो ये विंडोज सर्वर है, ये सर्वर मशीन है, इस पे आप बनाते हो। सर्वर की सर्विसेज होती है, जैसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर हो गया, डीएनएस सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, एनएफएस सर्वर हो गया, एफटीपी सर्वर हो गया, टीएफटीपी सर्वर हो गया, आप समझ रहे हो, एफटीपी सर्वर हो गया, एसएफटीपी सर्वर हो गया। तो ये सारी सर्विसेज जो होती है, एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, तो वो अगर एक्टिव डायरेक्टरी बनानी है तो वो आपके विंडोज 11 में थोड़ी ना इंस्टॉल होगा, वो तो सर्वर पे ही होगा। करेक्ट। तो सर्वर मशीन अलग होती है, क्लाइंट मशीन अलग होती है। तो जो आपकी लैपटॉप है वो तो क्लाइंट मशीन है। क्लाइंट मशीन है, ओके, ठीक है, ओके सर। अच्छा, ये यहाँ पर जाओ T2.micro ही लेना। तो जब T2.micro लोगे तो आपको 1 virtual CPU 1 GB RAM मिलेगा। ये थोड़ा सा कम रिसोर्स है विंडो के हिसाब से, लेकिन फिर भी चलेगा। देखो, और की बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने की बनाई थी और उस की का नाम था डेमो सर्वर की। उस की को भी ले सकते हैं इस मशीन के साथ भी, तो उसी की को हम बार बार यूज कर सकते हैं और अलग अलग मशीन के साथ भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो हर सर्वर के लिए आप अलग की भी बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने वही की ले ली है। अच्छा, बाकी सेटिंग में चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर इस बार फायरवॉल के अंदर SSH की बजाय RDP अलाउड है, क्योंकि जब हम विंडोज का रिमोट लेते हैं तो हम RDP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, SSH प्रोटोकॉल यूज नहीं करते, RDP करते हैं। RDP का मतलब क्या होता है सर? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। और देखो, इस बार 8 GB की बजाय जो EBS वॉल्यूम का साइज है, इसने 30 GB ले लिया, 30 GB ले। 30 GB क्यों लिया भाई? 30 GB ज्यादा ले नहीं सकता, क्योंकि 30 GB से आप चाहे तो 200 GB ले लो, वो मना नहीं करेगा। आप कितना भी ले लो मना नहीं करेगा वो, लेकिन जो 30 GB से ज्यादा होगा वो फिर पैसे लग जाएंगे, फिर आपके पास बिल आएगा। तो बेटर है 30 GB ही लेना, ठीक है, और 30 GB सफिशियंट है, 30 GB सफिशियंट फॉर विंडोज मशीन। एंड नाउ गो डाउन एंड जस्ट लॉन्च द इंस्टेंस, एंड यू आर गोइंग टू लॉन्च द इंस्टेंस। लेकिन जब हमने ऑलरेडी 8 GB उसका ले लिया था ना सर, अमेज़न लिनक्स 8 GB ले लिया था लिनक्स का सर। हाँ हाँ, तो सर वो कंज्यूम नहीं हो गया होगा, मतलब इस आप बोल रहे थे कि 30 GB मिलता है। आप मुझे ध्यान से सुन नहीं रहे हो फरहान। मैंने कहा था अगर आप 10 मशीन बनाओगे तो 10 मशीन के पास 10 वॉल्यूम होंगे, तो कोई भी वॉल्यूम 30 GB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके सर, ओके, अब समझा। कोई भी वॉल्यूम 30 GB से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब सबकी सब मशीन के वॉल्यूम अलग अलग होंगे, लेकिन कोई भी वॉल्यूम 30 GB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30 GB लिमिट है। ओके सर, फ्री ऑफ कॉस्ट सर। इसमें जब हम लोग ने विंडोज का इंस्टेंस लॉन्च करा है तो इसमें ऑटोमेटिक 30 GB क्यों सेलेक्ट हुआ है, और लिनक्स में 8 GB ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ था? 30 GB इसलिए हुआ है कि विंडोज जो होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से हैवी होता है, ग्राफिकल मोड पे चलता है, GUI मोड पे चलता है, तो ये ज्यादा स्पेस लेता है। तो 30 GB इज सफिशियंट टू लॉन्च विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे 8 GB सफिशियंट है, लिनक्स कम लेता है ना स्पेस और विंडो ज्यादा लेता है। ये तो क्लियर है ना ये बात सबको? ओके सर, ओके। अच्छा, अब जाओ नीचे स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद व्यू ऑल इंस्टेंसेस। अब आपने देखा कि विंडो की मशीन यहां पर बनकर तैयार है, ये वाली ऊपर वाली, और ये स्टार्ट भी हो गई, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च भी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन भी स्टार्ट हो गया, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। अब करना क्या है, लेकिन अभी इनिशियलाइज हो रही है ये मशीन, अब इसका रिमोट लेना है। तो रिमोट लेने के लिए पासवर्ड चाहिए, और रिमोट किससे लोगे? RDP से लोगे, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो वो चलाना पड़ेगा, यूजर नेम डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, लेकिन पासवर्ड कहाँ है हमारे पास? तो पासवर्ड की जगह की है, तो की से पासवर्ड हम डिक्रिप्ट करेंगे। देखो, पहले आपने विंडोज मशीन को सेलेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट बटन पर गए, दिखाई दे रहा है कनेक्ट बटन, क्लिक ऑन कनेक्ट बटन, और यहाँ पर बीच में है RDP क्लाइंट, क्लिक ऑन RDP क्लाइंट। RDP क्लाइंट जब आप नीचे जाओगे
तो यहां पर सबसे नीचे है गेट पासवर्ड, क्लिक ऑन गेट पासवर्ड और गेट पासवर्ड और ये री की, ये वाली की है, इसको अपलोड करना है। तो अपलोड द प्राइवेट की, और ये की कहां पर है, ये की है मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड फोल्डर में, ये रही की, इस की को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया और ये की मैंने डाउनलोड कर ली। और सबसे नीचे लिखा है डिक्रिप्ट पासवर्ड, इस डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करो। जैसे आपने डिक्रिप्ट पासवर्ड सेलेक्ट किया, क्लिक किया, दिस इज द पासवर्ड। अब ये पासवर्ड याद करने लायक तो बिल्कुल नहीं है, तो आपने इसको कॉपी कर लिया, इस पासवर्ड को आपने कॉपी कर लिया। और यहां पर एक बटन है डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, इसको क्लिक करो तो आरडीपी डाउनलोड हो जाएगा। आपने सेव किया इसको और डाउनलोड होने के बाद इसको आपने ओपन कर दिया। तो जैसे ये ओपन होगा, यहां पे लिखो, यहां पे क्लिक करो कनेक्ट, और यहां पर जो पासवर्ड आपने यहां से कॉपी किया था ना, यहां पर पेस्ट कर दो कंट्रोल वी से एंड प्रेस ओके एंड प्रेस यस। बस इतना करना है, आपने विंडोज मशीन का रिमोट ले लिया। हेलो, एक वर्चुअल सीपीयू पर 1 GB रैम पर चल रहा है ये सर्वर, 1 GB रैम। अगर किसी को पूछोगे कि भैया विंडोज 2022 सर्वर मैंने लॉन्च करना है, कितने जीबी रैम चाहिए, तो आप कम से कम 8 GB तो बोलोगे। और ये सिर्फ 1 GB पे चल रहा है, लेकिन स्लो चल रहा है, मैं मानता हूं इस बात, क्योंकि फ्री है ना सर। अभी एक दिल्ली में छोटा सा प्रोजेक्ट था, तो हमने GoDaddy से लिया था सर, उसमें 16 GB रैम थी और 1 TB हार्ड डिस्क थी, लेकिन वो सर बहुत स्लो था, इससे तो बहुत ज्यादा स्लो था सर। हाँ, तो लोग बेवकूफ बन रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अगर मैं 2 वर्चुअल CPU ले लूं और 4 GB रैम ले लूं, तो आप यकीन नहीं मानोगे ये इतना तेज चलेगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतना तेज चल भी सकता है सर्वर। ये देखो, ये आपने सर्वर ले लिया, सर्वर है ये, और वो भी सर्वर कौन सा है, 2022 जो लेटेस्ट सर्वर है वो है ये, यहां पर चल रहा है और ये फ्री है एकदम। इतना कर लेना बस पहले आप। अच्छा, अब अगर आपने इसको बाहर आना है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करो, क्लोज को क्लोज करो, वापस कैंसिल करो, मशीन को सिलेक्ट करो, या तो मशीन को बंद कर दो, स्टॉप कर दो, या मशीन को टर्मिनेट करो। सर, ये जो हम लोग ने सर्वर बनाया है, इसी के ऊपर सर्विस चलाएंगे हम लोग विंडोज वाला? हाँ जी, इसी के ऊपर चलाएंगे, इसी के ऊपर चलाते हैं। आपने क्योंकि इंटरनेट से तो इसी का रिमोट लिया ना आपने? हाँ, जो सर्विसेज होगी सर, हम वो लिनक्स पे करेंगे कि विंडोज सर्वर पे? कौन सी सर्विस? जो सर, इसकी AWS सर्विस, आप किसी भी कर लो, AWS तो दोनों के लिए। ओके, ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और आप AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आपका क्लाइंट आता है कहता है मुझे तो प्रोजेक्ट उस पे बनाना है, Node.js पे बनाना है या .NET पे बनाना है, तो जब उसने बोल दिया कि मुझे अपना प्रोजेक्ट .NET पे बनाना है, तो ये साफ हो गया कि ये विंडो मशीन चाहिए उसको। दूसरा क्लाइंट आता है, वो कहता है कि साहब मुझे तो जावा पे बनाना है, पाइथन पे बनाना है या PHP पे बनाना है, तो उसके लिए ज्यादा बेटर है, उसके लिए आप लिनक्स मशीन बना दो जो सस्ती भी पड़ेगी। तो लिनक्स मशीन एज कंपेयर टू विंडोज मशीन सस्ती पड़ती है, क्योंकि विंडोज मशीन के अंदर आपको लाइसेंस जो है वो लाइसेंस की कॉस्ट देनी पड़ती है, जबकि लिनक्स मशीन में सब्सक्रिप्शन होता है और बहुत सारे लिनक्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ सर, ये मतलब रेड हैट का ओपन सोर्स है। हाँ जी, इतना जो मैंने बताया आज की डेट में आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर, हो गया। तो कल मिलते हैं। हाँ, मेरा एक क्वेरी था सर। सर, जो भी आपने लिनक्स का इंस्टेंस बनाया था और विंडो का बनाया, उसके लिए आपने सेम की यूज करी, ठीक है? अभी विंडो के लिए हमने पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया, तो जो पासवर्ड हमें मिला आफ्टर एनक्रिप्शन,
तो वो पासवर्ड सेम रहेगा लिनक्स मशीन के लिए भी, राइट? नहीं, कभी नहीं रहेगा। यहाँ पे आपने डिक्रिप्ट किया आरडीपी प्रोटोकॉल से, यहाँ पर आपने आरडीपी के लिए डिक्रिप्ट किया है, तो रिमोट एक्सेस लेने के लिए पासवर्ड डाला होगा। हाँ, ऐसे तो वल्नरेबिलिटी होगी यार, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे तो की कोई भी डिक्रिप्ट करेगा सबका पासवर्ड निकल के आ जाएंगे सामने के सामने। तो इसमें सॉल्ट वैल्यू भी होती है भाई, ऐसे थोड़ी ना डिक्रिप्ट होता है। तो लेकिन विंडोज मशीन के लिए जो आपने पासवर्ड लिया है वो इस की के लिए फिक्स रहेगा। जो विंडो मशीन के लिए आपने डिक्रिप्ट करके जो पासवर्ड लिया वो फिक्स रहेगा इस मशीन के लिए। लेकिन लिनक्स मशीन के लिए पासवर्ड नहीं होगा, उसके लिए की ही यूज करनी पड़ेगी। सर वो ये पासवर्ड है जो विंडो वाला था, आरडीपी वाला है, चेंज भी कर सकता है? हाँ, विंडोज में जाके कर सकते हो आप, दूसरा सर, यूजर बना लो और उसका पासवर्ड दे दो। अच्छा, मतलब ना आप इसी ये जो पासवर्ड है इसको चेंज नहीं कर सकते, ये एडमिन का यही रहेगा, मतलब जो मेन है एडमिन का यही रहेगा। ठीक है, ठीक है। देखो दो चीजें हैं, दोनों चीजों को अलग अलग रखना। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए आप एमएससी वो एमसीएससी का कोर्स करते हो, लिनक्स को मैनेज करने के लिए आरएससी का कोर्स करते हो। हम सीख क्या रहे हैं यहाँ पर? AWS। यहाँ पर हम AWS सीख रहे हैं। हम यहाँ पर AWS को मैनेज कैसे करना है, AWS पर काम कैसे करना है वो सीख रहे हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको विंडोज की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। मैं विंडोज की थोड़ी बहुत नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन विंडोज पढ़ेंगे नहीं हम यहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर। जैसे मतलब हमारा एक सर्वर है, सपोज हमने पर्सनली खरीद रखा है, तो सर हम उसे कहीं से भी मतलब क्लाउड से एक्सेस कर सकते हैं आईपी के थ्रू? हाँ है वो सर्वर। सर्वर कहाँ पर है वो? मतलब सर सपोज सर्वर हमने अपने घर पे रख रखा है, उसको तो क्लाउड आपके घर मतलब... पे हाँ, आपके घर पे, घर पे जो सर्वर रखा हुआ है उसके ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ से आया? खरीदना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, या तो आपने ब्रॉडबैंड राउटर से लगा लिया। अगर आपने ब्रॉडबैंड राउटर से लगाया तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रॉडबैंड राउटर जो होता है वो नेट डिवाइस होता है, और आपके मशीन को प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलता है। वो जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो तो राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस है, आपकी मशीन को तो प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल रहा है। तो आपकी मशीन एक्सेसिबल नहीं होती इंटरनेट पर। अगर आपको इंटरनेट पर आपकी मशीन को एक्सेसिबल करना है तो आपको नेट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। वो आईपी एड्रेस आपकी मशीन पर होना चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो अगर वो आईपी एड्रेस आपकी पब्लिक मशीन पर है, वो आपकी मशीन पर है, तो आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हो। और या फिर आप लीज लाइन वगैरह खरीदो, लीज लाइन खरीद कर राउटर लगाकर और फिर पब्लिक आईपी एड्रेस मशीन को प्रोवाइड करके और उसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपके घर पे लगा हुआ है उसको नहीं कर सकते। हाँ नहीं सर, वो तो मतलब वैसे ही रहता है, क्योंकि वो जो कंपनी वो अपने राउटर को एक पब्लिक आईपी देगी, उससे तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि नेट के थ्रू में प्राइवेट आईपी मिलता है। ठीक है, आप ये कर सकते हो, उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो। पोर्ट फॉरवर्डिंग वो खैर अलग चीजें हैं, वो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो या स्टैटिक नेट यूज कर सकते हो। बिल्कुल सर, चलिए सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, कल प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके डियर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।